यहाँ थॉर को हम जंजीरों से बंधा हुआ देखते हैं और थॉर अपनी स्टोरी एक ह्यूमन स्केलेटन को बताता रहता है कि उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर पूरी दुनिया को बचाया है और अनगिनत शैतानों को मार गिराया है। वो यही सारी बातें करता रहता है, तभी एक आग वाला राक्षस आता है जिसका नाम सर्टन होता है। वो थॉर को बताता है कि वो एस्गार्ड तबाह करने वाला है और यही भविष्यवाणी है, जिसके बाद वो दोनों बातें ही करते रहते हैं। तभी थॉर अपने मियोनीर को बुला लेता है और यहाँ से हमें थॉर और सर्टर के बीच एक अच्छी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ थॉर सर्टर को आसानी से हरा देता है और उसका मुकुट लेकर वापस एस्गार्ड आने लगता है। लेकिन तभी थॉर के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन पड़ जाता है, जिसके बाद थॉर भागते हुए कैसे भी वापस आ जाता है एस्गार्ड स्कर्ज की मदद से। एस्गार्ड पहुंचने के बाद थॉर देखता है कि ओडिन, जो कि उसके फादर है, अब आराम की जिंदगी जी रहे हैं और ड्रामा करवा रहे हैं एस्गार्ड के देवताओं के ऊपर, जिसे देखकर थॉर को ये पता चल जाता है कि ये ओडिन नहीं है बल्कि लोकी है, जो कि ओडिन का रूप लेकर एस्गार्ड पर राज कर रहा है। इसके बाद थॉर लोकी को मियोनीर से मारने वाला होता है, तभी लोकी अपने असली रूप में आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद थॉर लोकी से अपने पिताजी ओडिन के बारे में पूछता है कि तुमने उन्हें कहाँ छुपा के रखा है। पहले तो लोकी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब थॉर लोकी को फिर से मारने की धमकी देता है, तब लोकी बताता है कि ओडिन अभी पृथ्वी पर है। जिसके बाद लोकी और थॉर स्कर्ज के पास जाते हैं और स्कर्ज उन दोनों को बायफ्रॉस्ट का यूज करके पृथ्वी पर भेजता है। जिसके बाद जैसे ही वो दोनों पृथ्वी पर जाते रहते हैं, वैसे ही अचानक एक पोर्टल खुलता है और लोकी उसमें से चला जाता है। थॉर को वहाँ का एक एड्रेस मिलता है जहाँ लोकी गया हुआ होता है, इसलिए थॉर उसी एड्रेस पर जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का घर होता है। जिसके बाद स्ट्रेंज थॉर को बताते हैं कि 5 साल पहले लोकी यानी कि थॉर के भाई ने ही पृथ्वी पर अटैक किया था, इसलिए जब मुझे पता चला कि वो वापस पृथ्वी पर आ रहा है तो मैंने उसे एक पोर्टल के थ्रू गायब कर दिया। जिसे सुनकर थॉर स्ट्रेंज को बताता है कि वो अब अटैक नहीं करेगा, हम बस अपने पिताजी ओडिन को ढूंढने यहाँ आए थे। जिसके बाद स्ट्रेंज कहता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास भेज दूं तो तुम लोकी को लेकर यहाँ से चले जाओगे, जिसको सुनकर थॉर कहता है कि हाँ। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर का एक बाल लेकर ओडिन को अपनी जादुई शक्तियों से ढूंढने लगता है। जिसके बाद थॉर कहता है कि क्या आप मेरे भाई को भी वापस ला सकते हो, जिसे सुनकर स्ट्रेंज लोकी को वापस ला देता है। फिर लोकी और थॉर दोनों अपने पिताजी से मिलने चले जाते हैं, जहां ओडिन उन सभी को बताते हैं कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है और उसका नाम हेला है, जिसे मैंने अभी तक कैद करके रखा था, लेकिन अब मैं उसे और नहीं संभाल सकता, तुम दोनों को ही उसे संभालना पड़ेगा। ये सुनकर थॉर कहता है कि आपने उसे कैद क्यों किया। तब ओडिन थॉर को हेला के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो डार्क मैजिक के अंडर आ गई। ओडिन ये भी कहते हैं कि तुम्हें हेला को रोकना होगा एस्गार्ड जाने से, क्योंकि हेला को पावर एस्गार्ड से ही मिलती है। जिसके बाद ओडिन वहाँ से गायब हो जाते हैं और थॉर बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर उनकी बहन हेला आ जाती है और वो बहुत ही खतरनाक दिख रही थी, और वो कहती है मेरे सामने घुटने टेको। तभी थॉर बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपने मियोनीर से हेला पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हेला मियोनीर को बहुत ही आसानी से रोक लेती है, जिसके बाद लोकी को लगता है कि हम इसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए वो स्कर्ज को आवाज देता है बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए, और वो लोग बायफ्रॉस्ट के जरिए जाते ही रहते हैं। लेकिन उन लोग के पीछे हेला भी आ जाती है और वो उन दोनों को मारकर अलग अलग जगह में भेज देती है और खुद एस्गार्ड पहुंच जाती है। वो वहां पर किसी को नहीं जानती थी, इसलिए वो स्कर्ज को अपना सेनापति बना लेती है और एस्गार्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी ओर थॉर एक सकार नामक प्लेनेट पर आ गिरता है, जिसके बाद वहाँ कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं और थॉर से कहते हैं कि क्या तुम एक योद्धा हो। जिसके बाद थॉर कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुनते ही वो लोग थॉर पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वैलकरी नाम की एक औरत आ जाती है और थॉर को उन लोगों से बचा लेती है, जिसके बाद थॉर वैलकरी को शुक्रिया करता है। तभी वैलकरी थॉर के गले पर एक चिप लगा देती है और उस चिप की मदद से वो थॉर को शॉक देकर बेहोश कर देती है और एक फाइटिंग एरिया में ले आती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है वापस हेला के पास, जो कि एस्गार्ड के सभी सैनिकों से बात कर रही थी, जहाँ वो सभी को बताती है कि मैं ओडिन की पहली संतान थी, लेकिन अब ना ओडिन रहा ना ही उसके दोनों बच्चे, तो अब मैं तुम्हारी रानी हूँ, जल्दी से तुम सभी लोग घुटने टेको। लेकिन एस्गार्ड के सैनिक हेला की बात नहीं मानते, जिसके बाद हेला उन सभी को एक एक करके मारने लगती है और बस एस्गार्ड में दो ही लोग बचते हैं, हेला और दूसरा उसका चमचा स्कर्ज। जिसके बाद वो दोनों एस्गार्ड के महल देखने चले जाते हैं